होंगे दीदी और जीजू की दोबारा से शादी और शादी होती है। आपको ले जाता होगा? और हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। प्रशांत ने कहा कि थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी है, चलो अपन कुछ खाकर आते हैं। तो बस हम निकल गए थे घर से कहीं रेस्टोरेंट कैफे में। और अभी कल हमको जयपुर भी जाना था तो इसलिए हम तीनों साथ में अभी कुछ अच्छा सा टाइम स्पेंड करने गए। और यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे बस खड़ी होती है ये जो होटल के सामने। इधर जब बस से आते थे तो पापा हमें यहाँ पे ड्रॉप करके जाते थे, काफ़ी अच्छा लगता था, वो भी अलग ही मेमोरीज थी। क्या रास्ते में पानी मांगा? मैंने अच्छा हाँ। सोमवार मंगलवार मीटिंग बैठा है। हम चल रहे हैं कहीं, कहाँ जा रहे हैं? पैर को उखाड़ रहा था, बताए हाँ उखाड़ के घर ले जा रहा था वो पैर को। पता नहीं तुम तो डरी तो नहीं, नहीं। क्या स्ट्रॉन्ग है ना? ऑर्डर करना कैसी स्ट्रॉन्ग बताओ। पता नहीं क्यों ले जा रहा था। आपने भगा दिया है ना? मैंने भगा दिया। मंचूरियन दिमाग में चल रहा है, मेरे को खाना, मेरा तो फेवरेट है। प्रिंस को ना स्प्रिंग रोल नहीं खाने हैं, वो ना बोलिए वैरायटी लो, बट मेरे को इतना नूडल्स खाने का मन नहीं है जितना स्प्रिंग रोल पसंद है। तो मैं स्प्रिंग रोल खाने के लिए इसको बोल रही हूँ तो ये मुझे मना कर रही है, तो मेरा दिल टूट गया। और ये हंस रहा है प्रशांत बैठा बैठा। हाँ मैं देख रही हूँ हेलोवीन और इसे घुमा घुमा के पागल कर। ये हानिया देख रही है प्रशांत के मोबाइल में गूगल पे हेलोवीन का कोई ऐप है शायद, ये घोस्ट वाला कोई ऐप है। तो इसमें डिफरेंट टाइप की इमेजेस इसमें नज़र आएंगी आप लोगों को भी। तो हानिया इसको एंजॉय कर रही है। अच्छा एक बात बताऊँ, यहाँ के नूडल्स और यहाँ के हनी चिली पोटैटो और स्प्रिंग रोल सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे मुझे यहाँ पे धौलपुर में स्पाइसी ट्रीट में। काफ़ी मुझे काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा यहाँ का। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट रियली बता रही हूँ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ए
अन्य को पसंद है कोल्ड कॉफी। अन्य का देखो पीने का तरीका देखो इसका। बहुत पसंद है अन्य को। लगे हैं घर पे। यहाँ पे हमने डिनर किया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी था। और यहाँ पे प्रशांत अभी वेट कर रही है अभी हमारा, और चलो चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। यहाँ पे मैंने मेन गेट ओपन किया है और अंदर जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं मम्मी के लिए डोसा और हन्ने के लिए हक्का नूडल्स पैक करा के लाई थी, क्योंकि हन्ने का फेवरेट है, वहाँ पे नहीं इतने खा पाए थे अच्छे से। तो अब मैं आ गई हूँ मम्मी के यहाँ पे। यहाँ पे मैं छोटू से बेबी को लेके बैठी थी। हमारे घर में न्यू मेंबर आया है और बहुत ही क्यूट, ज़्यादा क्यूट है। मैं इसकी बुआ लगती हूँ, मामी जी की लड़की का बेटा है, बहुत क्यूट है। देखो इसको भी पता चल गया कैमरा ऑन है। अच्छा लग रहा है क्या अन्या को यहाँ पे? अभी देखेगी। अब अभी आप भी तो कह रही हो जाओ। अरे वाह, है ना 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 ना। और ये देखो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बज रहे हैं 9 से 10 के बीच में कुछ टाइम हो रहा था, और हम लोग निकल गए थे जयपुर के लिए। और रात को मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था, मुझे अभी याद आया कि मैंने अपना ब्लॉग को एंड नहीं किया है, तो सोचा कि वापस से मैं स्टार्ट कर दूँ। तो यहाँ पे मैं वापस से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। और यहाँ पे देख सकते हो ये हम रास्ते में चलते जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा व्यू भी था, अच्छा लग रहा था। मैं भी चॉकलेट खा रही हूँ खाने के, और रास्ते में रुके हुए हैं और काफ़ी टाइम हो गया है चलते चलते, 4 घंटे लग जाते हैं धौलपुर से जयपुर पहुँचने में अपने व्हीकल से। तो अभी हम पहुँच चुके हैं दौसा। हमने अपना घर समझ के बैठी हुई है, देखो पेट्रोल पंप पे बैठी है, घर समझ। हैंड वॉश कराने पड़ेंगे अब आपके, देखो गंदे हो गए सारे हैंड्स, गंदे हो गए ना, मिट्टी मिट्टी हो गई। हमारी गाड़ी आ गई है, चल हम बैठे आने को आगे से। चलो आ जाओ मेरे पास आनिया, और अपन निकल गए है ना पेट्रोल पंप से। मेल्ट नहीं है, मेल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा धूप हो रही है, गर्मियों का टाइम ना, टाइम बजने वाला है। क्या टाइम बजने वाला है? टाइम बजने वाला है क्या? क्या क्या टाइम तो बजने अच्छा चलो रहने दो यार, खाने तो पता है पोनी भी नहीं बनाती है अपनी, सर में चोटी नहीं बनाती हो आप, कंघी भी नहीं करते हो यार। हम पहुंच चुके हैं जयपुर, और इन पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है जयपुर, तो देख सकते हो क्या नजारा है। देखिए एल्बो दिखा रही है प्रशांत,
कितना अच्छा व्यू लग रहा है ना बाहर, ग्रीन ग्रीन, और पर धूप भी बहुत है। मामा आने को परेशान कर रहे हैं गाड़ी से। देखो मामा ने मेरे गंदे गंदे बाल कर दिए। ऐसे गंदे गंदे बाल कर दिए तो आप सही कर लो। देखो मामा तो ड्राइव कर रहे हैं ना, मामा तो प्यार कर रहे हैं और हान्या को ड्राइव करते करते भी। हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और शाम को हम 4 बजे समथिंग आ चुके थे जयपुर, और फिर मैंने उसके बाद ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई। और अभी हो रहा है 10:30, तो मैंने सोचा कि मैं भूल गई थी अपना ब्लॉग एंड करना, तो अभी मैं यहाँ पे एंड करने के लिए आई हूँ। तो फिर यहाँ पे कौन कौन है आप पहले ये देख लीजिए। मैं हानिया हूँ और ये कौन है, पूजा मौसी है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो मेरा ब्लॉग एंड करने वाले हैं हान्या और पूजा। यस, और प्रिंस आना चाहे कैमरे पे तो आ सकती हो। तो मेरा ब्लॉग एंड करने, और रवि जी यहाँ से अभी तक पूरे ब्लॉग में नहीं थे और एंड में ये ब्लॉग में आ गया हूँ। ब्लॉग में हाँ, ब्लॉग में जान डालने के लिए जीजू आ गए हैं। हमारे बिना तो जान नहीं डलती ना। हान्या को क्या कहना है, हान्या को क्यों हंसी आ रही है इतनी। मंदी लग रही है यार। ये टी-शर्ट, ये रुचि दीदी की टी-शर्ट है जो मैंने भी पहनी है, ठीक है, ये वाली। मैंने थोड़ी सी इसको इम्प्रूव करके पहले आई इन करके, पर आप सभी लोग, मैं बहुत टाइम बाद दीदी से मिलने आई और मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, तो आज हमने बहुत ज़्यादा फन किया आके, इसलिए मैं ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं कर पाई। अच्छा, जो भी किया है, जो भी थोड़ा सा जो वीडियो बनाया है मैंने, तो वो आपको पूरा का पूरा आपने जो परमार की YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा। आप जिस वीडियो की दीदी बात करें, आप उसमें देखोगे दीदी और जीजू की दोबारा से शादी, और शादी होती है, बहुत अच्छे से शादी की थी।